अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की हमारी इस वीडियो हम जो बात करने जा रहे हैं वो है डॉलेंस का रिसेंटली लॉन्च किया गया मॉडल है एलिगेंस प्लस यूवी। तो व्यूअर्स, उसमें कुछ इस तरह के फीचर्स दिए गए हैं जो रिमोट पे अक्सर हमें कमेंट्स में आते हैं कि यार वो इको मोड दिया गया, गेयर मोड दिया गया, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो आज हम इसके रिमोट पर बात करने जा रहे हैं कि उसमें जो बटन्स वगैरह दिए हैं उनके क्या क्या फंक्शंस हैं और किस सेटिंग पर रख के जो है आपको इसे यूज़ करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका रिमोट आ जाएगा एलिगेंस प्लस यूवी का, टोटल वाइट कलर के अंदर दिया गया, ग्लॉसी फिनिश देता है और इसमें जो है ये रबड़ के बटन दिए गए जो कि काफ़ी अच्छी फील आती है आपको। तो व्यूअर्स, यहाँ पे जो ये हाइलाइटेड बटन दिया गया है ऑरेंज कलर का, जैसे हम इसे प्रेस करते हैं तो जो आपका एसी है वो ऑन हो जाता है। तो ये ऑन ऑफ का बटन दिया गया है यहाँ पर। तो नेक्स्ट जो बटन दिया गया ये मोड का बटन दिया गया है, यहाँ से हम अपने मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले से जो प्री सेट होता है वो ऑटो मोड होता है, तो अब यहाँ पर इसे कूल पे कर लें। और नेक्स्ट जो है इसमें ड्राई मोड दिया गया है, फिर हीट मोड आ जाता है इसका हीटर के लिए, और फिर नेक्स्ट जो है वो फ़ैन का मोड आ जाता है। इसी वजह से इसका जो है वो फ़ैन वर्क करता है और ना इसका हीट मोड वर्क करता है ना कूल वर्क करता है, जस्ट इसका जो है वो फ़ैन एज अ फैन के तौर पे काम करेगा। तो जब भी इसे यूज़ करें तो कूल पर रख के यूज़ करें, और जो इसका टेम्परेचर है वो 26, 27 या 28 डिग्री तो इनमें रख के यूज़ करें, तो इसमें जो है ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है हम बेयर्स के अंदर भी, और कूलिंग भी आपको उसमें ठीक मिल जाती है। तो व्यूअर्स, जो नेक्स्ट इसमें जो आपको बटन दिया गया है जो ग्रीन कलर का आपको शो हो रहा है यहाँ पे, इको गेयर मोड। तो व्यूअर्स, ये इस एसी का कह लें कि मेन फीचर भी यही है, जो पावर शिफ्ट का ऑप्शन आपको जो इसमें ऑप्शन मिल जाता है, जैसे हम इसे सेलेक्ट करते हैं तो जो आपको जो एसी है वो इको मोड के अंदर एंटर हो जाता है। तो हम दोबारा इसे सेलेक्ट करेंगे तो ये 75% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, और जब हम नेक्स्ट दोबारा से जब इसे प्रेस करेंगे तो 50% के ऊपर आ जाएगा। लाइक अगर आपके जो एसी है वो अपने पूरे एम्पेयर्स ले रहा है, लाइक 9 एम्पेयर्स के ऊपर अगर आपका एसी जो है वर्क कर रहा है, जैसे ही आप इसे 50% पे करेंगे तो ये 4.5 के ऊपर आ जाएगा, यानी अपनी 50% जो है पावर कंजप्शन पे ये वर्क करेगा और उसी हिसाब से अपने जो है मेंटेन रखेगा टेम्परेचर को। तो नेक्स्ट वीडियो जिसमें आपको जो बटन मिलते हैं वो इसके टेम्परेचर सेट के बटन है, अप एंड डाउन, इसे आप टेम्परेचर को लो कर सकते हैं और इसे जो है टेम्परेचर को हाई कर सकते हैं। तो इसमें जो लेफ्ट साइड पे आपको जो बटन मिल जाता है वो है इसके सेट का बटन। तो जैसे इसे क्लिक करते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन वगैरह शो हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, जैसे ये ऑप्शन शो होगा आपको सेट का, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसमें जो ब्रीज अवेक ऑप्शन है, इसमें जो है जो कूलिंग जो इसकी आएगी, जो थ्रो आएगी वो डायरेक्ट जो है आपके ऊपर नहीं आएगी, साइड पर थ्रो जाएगी, इससे जो है आपको डायरेक्ट थ्रो नहीं मिलेगी। व्यूअर्स, जो राइट साइड पे आपको फीचर दिया गया है ये इसका जो है टाइमर दिया गया है, आप यहाँ से इसको जो है टाइमर ऑन कर सकते हैं। आप जस्ट एक घंटे के लिए, दो, डेढ़, ढाई, या अपने मर्जी से जो इसके है टाइम वगैरह सेट कर सकते हैं। जब दोबारा क्लिक करेंगे तो इसका टाइमर जो है वो ऑफ हो जाएगा। तो नेक्स्ट ये जो हमें बटन दिया गया है, इसके फैन स्पीड का बटन दिया गया है, तो अपनी मर्जी से इसमें जो है फैन 1% से लेकर 20%, 40, 60, 80 या 100% पे जो है आप इसकी जो फैन स्पीड ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या आप इसे ऑटो पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसमें जो नेक्स्ट ये बटन आ जाएगा ये स्विंग का बटन आ जाएगा। तो जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो इसकी स्विंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, अपनी मर्जी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो मोड डिफरेंट जो है मोड्स दिए गए हैं स्विंग के अंदर, तो अगर हम इसे 3 से 4 सेकंड तक अगर प्रेस करके रखते हैं, स्विंग को ऑन करने के बाद हम 3 से 4 सेकंड इसे प्रेस करके रखते हैं, तो जो इसकी अंदर वाली ग्रिल है उसकी भी स्विंग ऑन हो जाएगी। तो जैसे ही हम इसे 3 से 4 सेकंड तक दोबारा जब प्रेस करके रखेंगे तो वो ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, इसमें जो बटन दिया गया वो इसके फ्रेश का बटन है। तो जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं तो ये फ्रेश जो है जो रूम के जो हवा अपने थ्रू प्रोवाइड करेगा, तो उसकी हवा जो आपको आएगी उसे क्लीन करना स्टार्ट कर देगा, मतलब काफ़ी हद तक। तो अब जैसे प्रॉपर प्यूरीफायर वर्क करता है वैसे तो नहीं वर्क करेगी, लेकिन काफ़ी हद तक जो उसको हवा को है वो साफ करेगा। तो नेक्स्ट व्यूअर्स, जिसमें बटन आ जाता है वो उसके टर्बो का बटन दिया गया है। अब जैसे इसे क्लिक करते हैं तो इसकी टर्बो ऑन हो जाती है और अपनी मुकम्मल मैक्सिमम पावर से जो अपनी कूलिंग को है वो स्टार्ट कर देती है। तो नेक्स्ट इसमें जो बटन आ जाएगा वो है एलईडी का बटन। जैसे हम इसे क्लिक करते हैं तो जो एसी के ऊपर जो आपको इसके जो डिस्प्ले शो हो रहा होगा उसे ऑफ या ऑन करने के लिए, तो इसका एलईडी का बटन आ जाएगा। और जो लास्ट बटन आपको जो इसको मिलता है वो है क्लीन का बटन। जैसे हम इसे प्रेस करते हैं तो उसकी जो ऑटो क्लीन है वो स्टार्ट हो जाती है और जो डिस्प्ले है कुछ इस तरह का शो हो जाता है। जब इसे दोबारा प्रेस करते हैं तो ये ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली, तो दोबारा क्लिक करने पर ये ऑन हो जाएगा।
अगर हम टर्बो या क्लीन दोनों के बटन को प्रेस करके रखते हैं तो रिमोट जो है ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, चाइल्ड लॉक का इसमें जो है ऑप्शन ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो स्क्रीन पे शो होना शुरू हो जाएगा, ना फिर से एसी ऑन होगा, अब कोई भी जो इसकी सेटिंग्स वगैरह है वो चेंज नहीं की जा सकेंगी। जब हम दोबारा इसे प्रेस करेंगे तो ये जो लॉक का फीचर है ये इसका ऑफ हो जाएगा। तो व्यूअर्स, इस एसी के अंदर जो है जो डिस्प्ले है उसमें रिमोट में दिया गया है, उसमें आपको एलईडी लाइट मिल जाती है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है। अक्सर आप रात के टाइम अगर इसके रिमोट को यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि मोस्टली ब्रांड इस तरह के अभी भी आ रहे हैं जिनके रिमोट के अंदर एलईडी नहीं दी गई होती और काफ़ी मुश्किल होती है रात के टाइम यूज़ करने में। तो व्यूअर्स, ये इसके फीचर्स वगैरह थे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।